फेसबुक में गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा, ट्विटर में गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। आर यू हैप्पी? आई थिंक सम पीपल से, बहुत लोग बोलते हैं अरुणाचल में तो सब खुश है, इलेक्शन के टाइम दिवाली होता है, पैसा आता है। वो पैसा क्या, वो पैसा क्या उनके बाप का पैसा है क्या? वो आपका पैसा है। वो इलेक्शन में 5 साल में एक बार खर्चा करते हैं आपके ऊपर, और 5 साल आपको भिखारी रखते हैं और आप लोग खुशी रहते हैं। ऐसे पॉलिटिक्स को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और तब भी आपका स्टेट आगे बढ़ेगा। इलेक्ट यंग पीपल, इलेक्ट राइट पीपल, इलेक्ट पीपल हु हैव अ विजन ऑफ द स्टेट। आज यहां में एनपीपी मुचू ने मुझे इन्वाइट किया, मैंने आज तक मुचू को नहीं देखा कि वो अलग पार्टी से, मैं अलग पार्टी से हूं। मैंने आज तक नहीं देखा कि लोरेन कोई अलग पार्टी से, मैं अलग पार्टी से। हम लोग सब रीजनल है यहां में, और आज हम लोग ये रीजनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना दिल्ली से। देखा, मैं बोलता हूं 10 दिन के बाद कॉन्राड सांगमा का फोन आएगा, अरे भाई तू क्या करना सोच रहा है वहां में। लेकिन अगर आपने यहां में सपोर्ट किया इनको, आपने मुझे सपोर्ट किया, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, हम लोरेन को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर हमने एक टीम बनाया जहां में सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता, एक आइडिया का सपोर्ट होता है, एक सोच का सपोर्ट होता है, एक विजन का सपोर्ट होता है, तब भी वी कैन गो अप इन लाइफ। पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट सर्वाइवल माय फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो समथिंग यू कैन ऑफर टू योर पीपल। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो टॉकिंग टू पीपल हु आर नॉट पॉलिटिशियंस। पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली अबाउट इलेक्शंस, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट पॉलिसी। टूडे I am fighting in my small state of Tripura, and I will tell you one thing, either in 2023 I will go down fighting or I will win, but in between I will not compromise on the identity and the indigenous people of Tripura. And I hope, jaise CAA pass hua, when CAA was passed I saw how they divided Northeast. अरुणाचल को एग्जेम्प्ट किया तो अरुणाचल खुश, मणिपुर में आईएलपी लाया तो मणिपुर खुश, सिक्किम में आर्टिकल 371F किया तो सिक्किम खुश, और जो 3 स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री बांग्लादेश से डायरेक्टली है, त्रिपुरा, असम एंड मेघालय, उनको सीए से एग्जेम्प्ट नहीं किया। लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट ने कहा, पर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हमने अपने आप को हल्का किया। द नागास, इंदिरा गांधी 1975 हैड इमरजेंसी, येट द सेम इंदिरा गांधी वॉज फोर्स्ड टू साइन द नागा पीस अकॉर्ड इन 1975 इन नागालैंड। अरुणाचल जो यूटी मिला है आपको 1986 स्टेट को आपको मिला, इट केम after a continuous pressure from the state government. The Khasi Jaintia Hills became a, Garo Hills became a state in 1970-71 after severing its ties from Assam. Indira Gandhi, after the Bangladesh war, was very powerful, yet she had to listen to a few leaders like William Sangma, B.B. Lingdo, G.G. Swell, kyunki inke paas integrity tha, confidence tha aur ek vishwas tha. आज हमारे पास ये विश्वास निकल गया है। तो अगर एक छोटा स्टेट से आप महाराजा बोलते हैं, महाराजा का कुछ मतलब ही नहीं, महाराजा का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है अगर आपके लोगों के पास उनका अधिकार, उनका जमीन नहीं है। तो आप, अगर मैं एक छोटे से स्टेट से त्रिपुरा में देश का सबसे बड़ा पार्टी और पैसे वाला पार्टी बीजेपी को हरा सकता हूं, मानिक सरकार जैसे कम्युनिस्ट जो 25 साल तक हमारे काउंसिल में राज करता रहा उनको हरा सकता हूं, कांग्रेस पार्टी जिसने मुझे धक्का मार के निकाला था पार्टी से उनको हरा सकता हूं 1 साल के अंदर, और वो भी त्रिपुरा जैसे स्टेट में, तो आप लोग ये क्यों नहीं कर सकते? और सच में बोलूं, ताली मारने से नहीं होगा, ताली मारने से शो शुरू होता है, खत्म हो जाता है। आपको अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा, और सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आज अगर मैंने अपने एमपी से, एमएलए से बोला कि मुझे 5 लाख दो तभी मैं वोट करता हूं, तो आप
भूल जाइए कि आपका रास्ता कभी ठीक होने वाला है, आपके गांव में स्कूल आने वाला है, कॉलेज आने वाला है। अगर आपका सबसे बड़ा एम लाइफ में चीफ इंजीनियर बनना है या एमएलए बनकर पीडीएस स्कैम करना है, तो आप भूल जाइए आपको अरुणाचल का उन्नति चाहिए। तब आप जितना भी बोलना चाहिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलते रहिए, आपका घर के सामने का रास्ता वही रहेगा, नाला वही रहेगा। तो आप बताइए कि आप खुश हैं आज? Are you happy with the system today? Well, everybody seems to be very happy. If you are unhappy, Facebook में गुस्सा होने से कुछ नहीं। Tribal population थे, आज हम अपने राज्य में सिर्फ 30% है। हमारी भाषा खतरे में है, हमारी कल्चर खतरे में है। आज अगर आप बहुत जगह में त्रिपुरा में जाएंगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये एक इंडिजिनस ट्राइबल किंगडम था। ये क्यों हुआ है? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमें इग्नोर किया गया। किन्होंने इग्नोर किया? या फिर हमारे खुद के नेता ने हमें इग्नोर किया, या फिर एक पॉलिसी रहा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हम अपने लोगों के ऊपर इतना विश्वास नहीं करते हैं। तो दूसरे देश से जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भेजेंगे, वेदर इट इज असम, वेदर इट इज अरुणाचल, वेदर इट इज त्रिपुरा, वेदर इट इज मेघालय, तो क्या होगा कि ये लोग जो हमारे कल्चर से क्लोजर हैं, जो आज बांग्लादेश में है, दे विल प्रोबेबली बी एबल टू इंटीग्रेट इंडिया इनटू अ लार्जर होलिस्टिक स्टेट। दिस वाज अ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इज नॉट अ बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज नॉट अ कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज नॉट अ जनता पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट इफ यू सी the government of india has always followed a policy which has come out from new delhi। to agar arunachal mein airport nahi kholna tha kyunki china ka threat hai, to koi bureaucrat ne delhi mein baithkar ye decision liya aur aaj tak arunachal mein hame aane ke liye raste se aana padta hai ya fir helicopter se aana padta hai। agar university kholna tha to central university त्रिपुरा में 2006-07 में आया, अरुणाचल में भी शायद 2006-07 में आया। आज के दिन कर्नाटका में, महाराष्ट्र में 25 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट में 2007 से पहले सिर्फ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे। ये सब पॉलिसीज कौन बनाता है? कोई व्यक्ति जो दिल्ली में बैठा होता है, जिनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है, इमोशनल कनेक्ट नहीं है, और ये लोग पॉलिसीज बनाते हैं। तो जैसे मेक पीस ने शुरू में, शी स्टार्टेड बाय सेइंग दैट रिगार्डिंग त्रिपुरा, यस टुडे आई हैव अ पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव वन द इलेक्शन थैंक्स टू अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम माय फेलो फ्रेंड्स फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज राइट हियर, कॉन्राड संगमा हु हैज हेल्प मी, जेम्स हैज हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन टू एक्चुअली ऑनर मी आफ्टर आई वन वॉज लुरिन ज्योति इन असम, आई थैंक हिम फॉर दैट। द फैक्ट है कि वाई आर वी टूडे फाइटिंग फॉर अ स्पेस, बड़ी वी आर नॉट, वाई आई हैव कम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस टूडे इन एनपीपी। कॉन्राड संगमा स्पीक्स गुड हिंदी, ही स्टडीड इन अमेरिका, बट इनहेरेंटली इफ यू मीट हिम ही इज अ गारो, ही इज अ नॉर्थ ईस्टर्नर, ही इज अ प्राउड नॉर्थ ईस्टर्नर, ही इज नॉट ट्राइंग टू हार्ड टू बी समबडी ही इज नॉट। सो वी कैन लर्न about every culture, but please do not forget your identity. Identity is extremely important. आज आपको कोई इज्जत नहीं करेगा अगर आप मोहम्मद रफी जैसे दिल्ली में गाना गाएंगे, लेकिन आपको सब इज्जत करेंगे अगर आप प्राउड गालो आदि मिशमी अपतानी आप जो भी हैं, हमारे जो भी ट्राइब्स हैं, वो लेकर अगर आप दिल्ली जाएंगे और आप अपने कल्चर के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा इज्जत मिलेगा। इज्जत किसी को कॉपी करने से नहीं मिलता है, इज्जत किसी को कॉपी करने से नहीं मिलता है, इज्जत तब मिलता है जब आप अपने ही कल्चर को, सभ्यता को इज्जत करते हो। इट इज वेरी इजी अबाउट इट्स वेरी क्लियर। सो टुडे व्हेन आई गो टू दिल्ली, आई डोंट स्पीक नेसेसरली फॉर व्हाट दिल्ली वॉन्ट्स मी टू स्पीक। I go to Delhi and I speak about what my people from Tripura, the Piprasa people, want me to speak to them. Because a conversation cannot be a one-way street. And believe me,
Today we talk about regional aspirations, regional parties. I believe that what is regional? Is NPP regional? Is my political party Tipra regional? If I am regional, then how is Samajwadi Party not regional? How is Rashtriya Janata Dal not regional? How is Mayawati not regional? Why should only a party from south or from the northeast be called regional party? Why can't a party from a Hindi heartland also be called regional? Aap log sawal puchhe. These are uncomfortable questions. Today, NPP is a national party. Trinamool is not a national party till now. But yet, people will say Trinamool is a national party. Because the media is obsessed. The media is obsessed with a certain part of India. Whether it is Bengal, whether it is UP, whether it is Haryana, whether it is Madhya Pradesh or Uttar Pradesh. Aam Aadmi Party is not a national party. But we tend to give them more importance. अगर आज यहां में अरविंद केजरीवाल आ जाए तो सब लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे. हमने कहीं ना कहीं हमने अपने ही लोगों को लेस इंपॉर्टेंस दिया है और ये कल्चर हमने सीखा है. एंड व्हाई आर वी फाइटिंग फॉर अ स्पेस इन आवर ओन स्टेट? द रीजन इज दैट द स्पेस हैज बीन डिनाइड टू अस ओवर अ पीरियड ऑफ 7 decades. एंड टूडे व्हेन यू स्पीक आउट विद कॉन्फिडेंस, अगर मैं कॉन्फिडेंटली बात करता हूं तो बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल फील करता है, उनको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. दे फील अनकंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट अ इंडिजिनस पर्सन कैन स्पीक आउट फॉर हिज ओन पीपल. दे फील अनकंफर्टेबल फॉर द फैक्ट दैट समवन हु इज रेजिंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस डजंट मीन दैट दे आर नॉट नेशनलिस्टिक क्वेश्चंस. दे हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. बट लेट मी टेल यू वन थिंग. Let me tell you one thing. Regional political parties in the Northeast will always have a bit of activism within themselves. We cannot become a political party from UP, Bihar or Madhya Pradesh. Hamara soch alag hai. Our outlook is different. Our thinking is different. And there is no harm in this country being different from another part of India. Aaj main Arunachal aata hu, mujhe ek cheez hamesha अजीब लगता है. बहुत लोग अरुणाचल से बोलते हैं कि मैं हिंदी बोलता हूं, मैं भी इंडियन हूं. एक्सक्यूज मी, इफ यू स्पीक गालो, आदि, निशी, इफ यू स्पीक खासी, जयंतिया, गारो, त्रिपुरी, कोकबोरोक, एसमीज, यू आर स्टिल इंडियन. देर इज नो वन लैंग्वेज विच मेक्स यू एन इंडियन इन दिस कंट्री. एंड आई फाइंड दैट हाईली अम्यूजिंग. आई फाइंड दिस हाईली अम्यूजिंग. मैं पहले बार मोपिन में आया था अरुणाचल में, तो मेरे संग, मैं उस समय कांग्रेस पार्टी में था, एक समय मैं भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में था, और मेरे सामने एक कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था और उनको मिथुन दिया जा रहा था खाने के लिए. अरुणाचल में तो मिथुन ही मिलता है. तो उसने कहा कि प्रद्युत, ये मैं नहीं खाऊंगा, मुझे इंडियन फूड दो. तो मैंने कहा कि आप हमेशा बोलते कि हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं, ये मिथुन क्या इंडियन फूड नहीं है क्या? तो अगर ये लोग बोलते हैं कि आप लोग क्यों बोलते हैं कि ओ यू हैव कम फ्रॉम इंडिया, और ये हम, ये माइंडसेट सिर्फ एक तरफा रास्ता नहीं है, ये एक तरफा रास्ता नहीं है. और हम लोग भी रिएक्ट करते हैं, हम लोग भी पीसमील रिएक्ट करते हैं. नीडो को कुछ हुआ तो हमने रिएक्ट किया, उसके बाद हम भूल गए. तब कोई यूट्यूबर आता है पंजाब से, अनशन बात करता है नीडो इरिंग साहब के बारे, हम गुस्सा होते हैं, हम भूल जाते हैं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू हार्ड टू बी समबडी वी आर नॉट. व्हाई आई हैव कम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस टुडे इन एनपीपी. लेकिन क्योंकि मैं ईटानगर में आया हूं और मेरी पॉलिटिकल जिंदगी का शुरुआत एक्चुअली कांभा से हुआ था. मेरी जिंदगी में जब पहले बार मैंने इलेक्शन का प्रचार किया था तो एक जगह कांभा है, वहां में किया था, जहां में जारकुम के ब्रदरी खड़े हो रहे थे उस समय. तो मैं शायद आपको अपने दिल से बात करूंगा. मैं कोई एजेंडा लेकर नहीं आया हूं. आई डोंट हैव एनी एजेंडा. आई वांट टू स्पीक एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट आवर स्टेट. त्रिपुरा भी एक नॉर्थ ईस्ट का अटूट अंग है. जैसे सब बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अटूट अंग है, नॉर्थ ईस्ट में भी एक राज्य है त्रिपुरा, वो भी एक अटूट अंग है नॉर्थ ईस्ट का, वो भी देश का अटूट अंग है.
तो लेट मी टेल यू अ बिट अबाउट माई स्टेट वेयर आई कम फ्रॉम एंड देन आई विल स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन. इसके बाद मैं वार्तालाप शुरू करूंगा. त्रिपुरा शायद सबसे इग्नोर्ड स्टेट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में. जैसे मेकपीस ने कहा शुरू में दैट व्हेनेवर एनीवन स्पीक्स अबाउट त्रिपुरा हमें एक उदाहरण के हिसाब से लिया जाता है. वी आर ऑलवेज टेकन एज एन एग्जांपल. कोई नहीं कहता है कि मुझे दूसरा शिलोंग बनना है. सब कहते हैं कि मुझे शिलोंग जाना है. सब कहते कि मुझे गुवाहाटी जैसा बिजनेस करना है, गुवाहाटी में है. सब कहते कि तवांग या अरुणाचल इतना खूबसूरत है. लेकिन जब कोई त्रिपुरा के बारे में बात करता है, स्पेशली हम जो इंडिजिनस लोग हैं, सब कहते कि मुझे दूसरा त्रिपुरा नहीं बनना है. और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाएंगे, इफ यू गो आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट, एवरीबडी विल से ओ त्रिपुरा इजंट इट नेक्स्ट टू बांग्लादेश. आज हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी इज सेट दैट दिस इज द स्टेट विच इज नेक्स्ट टू बांग्लादेश and which is overrun by allegedly, as you said, allegedly by illegal immigrants. ये कोई अच्छा चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारे इतिहास में जाएंगे, if you go back to our history, हमारी जो राज्य है त्रिपुरा, it's over 1,000 years old. It has got great history, not because it had maharajas, but because it had culture, because it has culture, it has customs, it has history. It has architecture. हमारे पास सब है, लेकिन हमारे पास एक चीज नहीं था. और वो एक चीज एक दिन में खत्म नहीं हुआ. This wasn't demolished in one day. हमारे पास विश्वास नहीं है आज. Confidence is not there. और ये विश्वास को तोड़ने के लिए आपको हमारे इतिहास के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा. आज जो त्रिपुरा एक समय 90 प्लस इंडिजिनस हमारे जो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ. तब CAA पास हुआ. जब CAA पास हुआ, आपको एक अजीब एग्जाम्पल मैं देता हूं. द ओनली स्टेट इन द इंटायर कंट्री वेयर द कांग्रेस पार्टी एंड द CPM, द कम्युनिस्ट पार्टी, जो दिल्ली में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ आंदोलन पर आंदोलन कर रहा था, वो चुप था. कौन से स्टेट में था? मेरे स्टेट में. और मैं वहां का कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट चिल्ला रहा था कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए. लेकिन सबका कहना था नहीं, आप बैलेंस करना पड़ेगा आपको. आपको सब यू हैव टू बैलेंस. यू हैव टू बैलेंस द इमोशंस. यू हैव टू बैलेंस द इमोशंस टू कीप जेन्यून इंडिजिनस इंडियंस लाइक अस ट्राइबल्स फ्रॉम त्रिपुरा, the Tiprasa people, unhappy so that we can make the people who have come from across the border from Bangladesh happy. They said, agar aapne isme protest kiya to aapka political career khatam hai. Maine 2 minute mein Congress party ke post se, president ke post se resign kiya. Aaj testimony hai ki Pradyut Vikram Manikya yahan main khada hai, election jeet ke, aur jis party ko maine resign kiya uska vote share aaj 1.5% hai aur mere paas 55% vote share hai. विश्वास करना सीखिए आप लोग. विश्वास करना सीखिए. हैव फेथ इन योरसेल्फ. फेथ इज नॉट ओनली व्हेन यू गो टू चर्च. फेथ इज नॉट ओनली व्हेन यू गो टू टेंपल्स. फेथ इज नॉट व्हेन यू गो एंड डू नमाज. फेथ इज व्हेन यू हैव फेथ विद इन योरसेल्फ. फेथ इज समथिंग वेरी डिफरेंट माय फ्रेंड्स. फेथ कैन गिव यू होप, बट फेथ कैन ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस. द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई सी is in the generation which preceded me. When I speak to my mother, when I speak to my father when he was alive, they always thought that we could not change from the normal convention of the national politics. Conrad's father, James' father, Purno Sangmaji, was an eminent politician, was a speaker in the Lok Sabha, but he had faith and he challenged systems. Nobody is going to say whether it was right or wrong, but he had the courage to challenge the system. Today, why isn't a regional party successful in Northeast? Why is Lurin trying to struggle so much in a state where AGP led the mighty Rajiv Gandhi with 414 Lok Sabha ka seat tha Rajiv Gandhi ke paas. Tabhi bhi aansu ke samne unko apna ghutna tekna pada aur aansu
कि आपको भी बांट बांट कर त्रिपुरा बोलेगा अरे ये तो अरुणाचल का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आसाम बोलेगा ये अरुणाचल का प्रॉब्लम है। ये डिवाइड एंड रूल करके हमारे ऊपर 70 साल से राज किया गया है और हमें रिटर्न में क्या मिला है, हम लोग हिंदी अच्छा बोलता है। आपको मोहम्मद रफी का एक ऑडियो कैसेट दिया जाता है और बोलते हैं अरे आप इंडियंस हो, हमको एयरपोर्ट चाहिए, हमको यूनिवर्सिटीज चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए, हमको मोहम्मद रफी का ऑडियो कैसेट नहीं चाहिए। ये आपको जो डिमांड करना है दिल्ली में, ये आपको डिमांड करना चाहिए। हमको एक एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जहां में हम तोगान सामा के बारे जाने, हमको एक एजुकेशन पॉलिसी चाहिए जहां में हम नॉर्थ ईस्ट के बारे जाने। आज हमें पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान में क्या होता है, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को आप देखिए क्या क्या पढ़ाया जाता है नॉर्थ ईस्ट के बारे। वन हॉर्न राइनोसरस इन काजीरंगा, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस चेरापुंजी, यही है हमारा नेशनल एंथम। देख लीजिए आप, नेशनल एंथम में जनगण मन है, सिंध है, नॉर्थ ईस्ट का एक जिक्र नहीं है। अगर हमने बोला कि हम भी इंडियंस है, एक नॉर्थ ईस्ट का आप जिक्र कर दो, एक रीजन जिक्र कर दो, तो क्या प्रॉब्लम है। तो आपको भी जो डिमांड करना है, आपको भी जो बोलना है, एक कॉन्फिडेंस से बोलना। आप बीजेपी में रहिए, आप कांग्रेस में रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब आप अरुणाचल से, नाहरलगन से, ईटानगर से, तांबा से, पासीघाट से, मियाओ से आप जब दिल्ली जाते हो, तो पहले आप अपने राज्य के बारे में बात कीजिए, ना कि दिल्ली जो बोलता हुआ आकर आप यहां में रिली कीजिए। After the calm moment, the people of Assam have decided to form a political party to fight against the communal agenda and the centralized agenda of BJP to destroy our culture, our civilization, and we are under threat due to large scale influx in Assam. Therefore, the people of Assam have decided to start a general political party, and it is a new political party. It has completed only 250 days. So there is no time because she has given me 5 minutes. My topic is need for regional political parties and its challenges. Regionalism is a basic instinct of human being because we love our country, we love our people, we love our culture, our language, and the protection of our identity and protection of our language is our prime agenda of any political party. Therefore, regionalism is a basic instinct of all human beings in all over the world. Because in Assam and in Northeast India, we want to protect our language and culture. We want to establish our identity as Assamese, as Arunachali, as Nisi, as Naga, as Khasi, or as Garo. This is the basic principle of rising the regional politics or regional ideology in entire India. And in Indian constitution also gives various provisions like part 3 of the constitution where fundamental rights, importance of regional political parties of India is emphasized. And in other parts also, Our constitution guarantees equal opportunity and equal rights also. And the other issues are there because we are living in a big country where India has a diversified culture, ethnicity and languages. Therefore, the people of India in various parts of the country, they want to establish their identity, they want to protect their political rights also, social rights also. Therefore, this political, regional political parties are rising day by day, and we have seen that we have a statistics that in India
1996 the vote sharing of the regional political parties around 50%. In 1996 and in 1999 it was 48%. In 2004 it was 51%. Therefore, the attraction for regionalism, or the attraction of this regional ideology is growing day by day, and we have seen the political injustice of the center of Delhi and their policy. As for example, in Assam or in Northeast India, the influx of illegal foreigners is a very big issue, a very big problem for the common people. The people of Assam and the people of entire Northeast, they are going to lost their culture and civilization. In Assam, we have fought for that. We have had historical Assam movement. We have lost 855 matriarchs. And after that movement, we had Assam effort. But when the central government, they have imposed the Citizen Amendment Act. The act was totally communally motivated act, and they are trying to polarize the whole population of India in the name of religion, and imposing this bill in entire India. But for Northeast and Assam, see, we have already take the vote of illegal foreign up to 71. As Prajul have said earlier, that if one is illegal foreigner, he is an illegal foreigner. He may be Hindu, he may be Muslim. Therefore, we cannot accept any load of illegal foreigner in the soil of Assam and entire Northeast. And in Kaha time, the Chief Minister of Meghalaya, he has shown his strength, his love to his state and entire Northeast. Usne karke dikhaya ki नेता को जब संकट का घड़ी जब आता है उसी समय पता होता है कि कौन नेता है या कौन पॉलिटिशियन। उन्होंने करके दिखाया कि मैं मेघालय के लिए मेरा स्टैंड नॉर्थ ईस्ट के लिए दैट ही हैव शोन हिज स्ट्रेंथ एंड ही हैव शोन द लव फॉर हिज पीपल। देयरफॉर नाउ दीज आर द इश्यूज growing of the regional political party. See, we have seen various injustice of the central government in Assam. If you take some example, like Assam has produced petroleum 50% of the whole of the country up to 70, but we have no second refinery. After Dipo refinery, we have no second refinery. We are fighting for a refinery, full-fledged refinery, which is economically viable in that particular time. And in recent days also, in present scenario also, the Assam has produced 51% of tea of whole of the country. But we have no headquarter of tea board, no branch offices of the other companies in Guwahati also. Therefore, these are the injustices of the central government, part of the central government, they have given to us in Assam and Northeast India. Therefore, in Assam and Northeast India, as a country as a whole, there is a need of a regional political party to settle, to solve the regional issue or the other issues, such that we can address our issues and such that we can settle down our issues. Therefore, this is the need of regional political party, and regional political sentiment is, as I earlier said, that it is a basic instinct of human being, and it is a scientific regional political sentiment, or regionalism is a scientific issue, because in a democratic society, we are living in a democratic society, therefore we consider the identity of each and every group of or individual of the community. Therefore,
for from that particular principle, this type of regional political party, they are that should be established. Therefore.